हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज के वीडियो में आप लोग को मैं कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज देने वाला हूं। आज के वीडियो में आप लोग को कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर होता क्या है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, ए टू जेड कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी देने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर जा सके गाइस। तो चलिए लेटेस्ट स्टार्ट वीडियो की स्टार्ट करते हैं, बने रहें वीडियो पर और वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो आप लोगों को कंप्यूटर ज्ञान देने वाला हूं, कंप्यूटर से बेसिक नॉलेज बेसिक जानकारी देने वाला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को कंप्यूटर के बेसिक समझाते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली कार्य को समझेंगे इस वीडियो में, और विभिन्न प्रकार के कार्य को समझने के बाद हम लोग हार्डवेयर को उनके प्रकारों को भी समझेंगे, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सिस्टम यूनिट को भी समझेंगे और सॉफ्टवेयर के प्रकार को समझेंगे, पीसी को कैसे चालू किया जाता है इसको समझेंगे, कंप्यूटर के परिचय भी जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बिजली के साथ साथ बैटरी पर भी चल सकता है। कंप्यूटर मदद से आप मुख्य काम भी आसानी से कम समय में सटीक कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे। उदाहरण के रूप में आप लोग संख्यात्मक जानकारी विश्लेषण चार्ट प्रस्तुत कर सकते हैं और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को कंप्यूटर के प्रकार को भी बताएंगे गाइस। तो कंप्यूटर में मॉनिटर होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होता है गाइस, माउस से आप लोग भी कर सकते हैं। सिस्टम यूनिट होता है जिससे आप सिस्टम यूनिट की सहायता से कंप्यूटर को चलाते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में भी जानेंगे और बहुत सारे जो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। माउस कार्य कैसा होता है इसको भी जानेंगे गाइस, और मॉनिटर होता क्या है इसको भी जानेंगे। मॉनिटर पीसी का एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि टेलीविज़न के स्क्रीन के समान दिखाई देता है, जो कि इनपुट प्रोसेसर के द्वारा आउटपुट दिया जाता है, इसे मॉनिटर डिस्प्ले भी कहा जाता है। और जैसे कि आप माउस और कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसको जानते हैं, उसके द्वारा ही कार्य होता है। अब हम समझेंगे प्रिंटर होता क्या है। चलिए इस प्रिंटर के बारे में जानकारी देते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि सामान्य इंटरनेट चित्र को प्रिंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहुत सारे जो फोटो प्रिंट किया जाता है, टेक्स्ट को प्रिंट किया जाता है, और स्कैनर को समझेंगे। सिस्टम यूनिट होता क्या है। सिस्टम यूनिट का आयताकार डब्बे के समान होता है, जो कि सिस्टम यूनिट में हिस्से में कुछ बटन होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। अब समझेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में। समझने के बाद हम लोग समझते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर का प्रकार के बारे में समझेंगे। तो मदरबोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर में, जो मदरबोर्ड होता है उसके बारे में समझेंगे। मदरबोर्ड एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड होता है, जो कि मदरबोर्ड मुख्य सर्किट द्वारा जिसमें तौर पर होता है मौजूद यूनिट उसमें लगे होते हैं। और हम समझेंगे प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इंटेल का आई कोर प्रोसेसर और बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। आप समझेंगे हम लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे गाइस। तो चलिए सॉफ्टवेयर के बताते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रोग्राम को ही कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट कहते हैं। और समझेंगे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक छोटा सा सुपरमार्केट द्वारा की गई बड़े विजिट को भी अब समझने वाले हैं। कंप्यूटर में केबल कनेक्शन के बारे में समझेंगे, जिसमें HDMI केबल और उसमें ऑडियो वीडियो पोर्ट और ईथरनेट पोर्ट, बहुत सारे जो पोर्ट लगे होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे गाइस। तो कंप्यूटर में बहुत सारे केबल कनेक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर के एक साथ समूह में कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस। अब मॉनिटर के टेबलेट के सिस्टम यूनिट का पास होता है, पास केबल होता है, बहुत सारे बिजली से चलाया जाता है कंप्यूटर को गाइस। कंप्यूटर के साथ साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो घर में आप ऑफिस की जगह कंप्यूटर में बहुत सारे आसानी से कार्य कर सकते हैं, तेज़ी से कार्य करने में मदद मिलता है। और कंप्यूटर का उपयोग रंगीन चित्र स्टोर गेमिंग खेलने के लिए भी करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग डाटा स्टोर विश्लेषण करने के लिए लंबे समय तक गणित के लिए भी किया जाता है गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे जानकारी भी देने वाले हैं, जिसमें आप लोग को
नॉलेज भी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। अब समझेंगे हम लोग इसके बारे में, तो कंप्यूटर के जानकारी समझते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो विंडो होता है कंप्यूटर में जो कि स्टार्ट करता है। स्टार्ट करना होम ग्रुप जूमिंग विंडो सर्च विंडो टास्क बार डेस्कटॉप के गैलरी और परफॉर्मेंस प्ले स्टोर लाइब्रेरी इंटरनेट कनेक्शन बहुत सारे डिवाइस में बहुत सारे होते हैं। समझते हैं स्टार्ट करना गेमिंग द्वारा कंप्यूटर में स्टार्ट करें। ग्रुप होम होम पेज जो कि फाइलों को पिक्चर्स को म्यूजिक को वीडियो को भी प्ले करने में दस्तावेज को फोल्डर में रखने के लिए कार्य करता है। और विंडो सर्च में बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं। अब समझते हैं टास्क स्टार्ट बटन के बारे में और डेस्कटॉप गैलरी के बारे में समझेंगे गाइस। और प्ले स्टोर तो आप जानते होंगे मोबाइल पर होता है प्ले स्टोर, जिससे आप लोग गेमिंग बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं उसको प्ले स्टोर कहते हैं। कंप्यूटर पर मुख्य प्ले स्टोर होता है, लेकिन उसमें आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर मिलता है जिससे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर पर आप लोग लोड कर सकते हैं और यहाँ पर लाइब्रेरी भी मिलता है कंप्यूटर पर। और उसमें बहुत सारे विंडो 10 विंडो 8 विंडो 10 विंडो 7 ये सभी जो कि कंप्यूटर के चलने का प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को कार्य करने में मदद मिलता है। आप समझेंगे कंप्यूटर के बारे में तो कुछ कुछ जानकारी आप लोगों को मिल चुका होगा गाइस। आप कंप्यूटर में कुछ और भी अच्छा अच्छा जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें गाइस। चलिए और भी आप लोग को जानकारी देते हैं गाइस। कंप्यूटर का मुख्यतः काम होता है बहुत सारे कार्य को एक साथ कम समय पर अधिक से अधिक कार्य किया जाता है, जिसमें आप लोग फोटोशूट फोटो वेडिंग जो भी कार्य होता है जैसे कि दस्तावेज प्रिंट करना और बहुत सारे प्रोग्रामिंग इंटरनेट के कनेक्शन के साथ आप बहुत सारे जो इंटरनेट की सहायता से दस्तावेज को फोटो कापी प्रिंट करना या कुछ किसी भी कार्य को उसमें कुछ ऐड करना कुछ टाइप करना और बहुत सारे फार्मों को एक्सेस करना ये सभी कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है गाइस। और आप इस वीडियो में कुछ आप लोग को जानकारी मिले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें गाइस और बेल घंटे को भी दबा दें। चलिए इस वीडियो को ही प्रेरण करते हैं वीडियो पसंद आकर लाइक करके धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को ही प्रेरण करते हैं वीडियो पसंद आकर लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद। किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ मिलेंगे गाइस। इस वीडियो में आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारी टिप्स एंड ट्रिक मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें धन्यवाद। चलिए स्टार्ट।